हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटिंग ईडीयू। इस वीडियो में मैंने फरवरी मंथ के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो आने वाले कैनरा बैंक पीओ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। हमारा पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नेशनल। इसमें हमारा पहला करंट अफेयर है द इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2018 हेल्ड इन। जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस हुआ था फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर का, वो हुआ था हमारा बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था हमारा? बेंगलुरु में। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डीओपी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर अलोंग विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ से स्टैटिक जीके आप देख लीजिएगा कि तीनों के जो है वो हेड कौन है। अभी यहाँ से स्टैटिक जीके आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर वो है द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 हुआ वो हुआ हमारा न्यू दिल्ली में। इसका जो थीम था वो था द थीम ऑफ द समिट इज पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट प्लैनेट सीकिंग टू क्रिएट एक्शन फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व सम ऑफ द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस फेसिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द बैकड्रॉप ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 कहाँ हुआ, तो हमारा आंसर होगा न्यू दिल्ली में। थीम भी इंपॉर्टेंट है तो थीम भी याद कर लीजिएगा इसका। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ द सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए ऑफ इंडिया रीजन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। जो सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा वो हुआ पटना में। तो सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया रीजन कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो पटना में किया गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक इन। जो 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक हुआ वो कहाँ हुआ हमारा, तो वो न्यू दिल्ली में। इस बार का जो थीम था वो था फ्लैग्स ऑफ फ्रेंडशिप, तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक कहाँ हुआ हमारा, न्यू दिल्ली में। जो थीम था इस बार का वो था फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। हमारा करंट अफेयर्स है द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द एंटी नारकोटिक्स स्कीम फॉर 3 मोर ईयर्स। जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एंटी नारकोटिक स्कीम है उसको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है 4 प्लेसेस इन छत्तीसगढ़ विल गेट एयरपोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। छत्तीसगढ़ के 4 जगह पर उड़ान स्कीम के तहत 4 नए एयरपोर्ट दिए जाएंगे। वो 4 जगह हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एंड रायगढ़। इन 4 जगह पर उड़ान के तहत एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पहला कि छत्तीसगढ़ के किस किस प्लेस पर उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एंड रायगढ़। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस स्कीम के तहत इन चारों प्लेस छत्तीसगढ़ के इन चारों प्लेसेस पे एयरपोर्ट्स दिए जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है, तो उड़ान स्कीम एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम है सरकार का। रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये याद रखिएगा कि उड़ान उड़े देश का आम नागरिक इज अ रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडिया सेकेंड लूनर मिशन चंद्रयान 2 टू बी लॉन्च इन। इंडिया का जो लूनर मिशन है सेकेंड लूनर मिशन चंद्रयान 2 उसे लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2018 में। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर द सेंटर हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाय द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग टू स्टडी द ब्रह्मपुत्रा एंड फ्लड कंट्रोल मेजर्स इन असम एंड नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो सेंटर ने एक कमिटी बनाया है जिस कमेटी के अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अभी है मिस्टर राजीव कुमार। तो यहां से देखिए 2 क्वेश्चन बना, पहला नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो गए हमारे राजीव कुमार, सॉरी
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो गए राजीव कुमार, ठीक। और दूसरा किस कमेटी के वो चेयरमैन है, तो वो कमेटी का नाम है, उस कमेटी का काम क्या है, तो उस कमेटी का काम है स्टडी द ब्रह्मपुत्र एंड फ्लड कंट्रोल मेजर्स इन असम एंड नेबरिंग स्टेट्स। तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे मिस्टर राजीव कुमार। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू ए वीडियो लिंक इन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वीडियो लिंक के थ्रू इनॉग्रेट किया। कहाँ किया, तो हैदराबाद में किया। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो हमें यह बताना है कि इंडिया ने भी कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया है, तो मिसाइल का नाम है अग्नि 2। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने जो अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया वो कहाँ से किया है, वो किया है अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा अग्नि 2 मिसाइल के बारे में जानते हैं, तो अग्नि 2 मिसाइल हमारा 21 मीटर लॉन्ग है और इसका वजन 17 टन है। ये कैरी कर सकता है न्यूक्लियर पेलोड ऑफ 1000 किलोमीटर विथ स्ट्राइक रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हु हैज स्टार्टेड लिमिटेड पीरियड ऑनलाइन सर्वे टू गैदर कंज्यूमर फीडबैक ऑन इट्स सर्विसेज। तो कब अभी किसने स्टार्ट किया है लिमिटेड पीरियड ऑनलाइन सर्वे कंज्यूमर फीडबैक के लिए, तो हमारा आंसर होगा इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ने अभी लिमिटेड पीरियड ऑनलाइन सर्वे स्टार्ट किया है, किस चीज के लिए, तो कंज्यूमर फीडबैक के लिए। और लिमिटेड पीरियड ऑनलाइन का मतलब होगा इसका एक टेन्योर फिक्स होगा, तो वो है 16 फरवरी टू 15 मई 2018। इस बीच के बीच वो सर्वे लेगा और ये जो सर्वे फॉर्म है वो अवेलेबल होगा इसके वेबसाइट पे, जो इसका वेबसाइट है www.indiapost.gov.in। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, द यूनियन मिनिस्टर उमा भारती हैज लॉन्च द बागोरी गंगा ग्राम प्रोजेक्ट न्यू सोजल प्रोजेक्ट एंड गंगोत्री एज स्वच्छ आयनिक प्लेस इन। तो यूनियन मिनिस्टर उमा भारती ने अभी लॉन्च किया बागोरी गंगा ग्राम प्रोजेक्ट न्यू सोजल प्रोजेक्ट एंड गंगोत्री एज स्वच्छ आयनिक प्लेस इन उत्तरकाशी उत्तराखंड। तो हमारा ये अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है ऐसे ध्यान रखिएगा तीनों प्रोजेक्ट का नाम कि उमा भारती जी ने कौन कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और कहाँ लॉन्च किया। तो बागोरी गंगा ग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, न्यू सोजल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और गंगोत्री एज स्वच्छ आयनिक प्लेस के रूप में लॉन्च किया गया। कहाँ, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। किनके द्वारा, तो उमा भारती जी के द्वारा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टेट इन न्यूज, इसमें हमारा पहला करंट अफेयर, द सुप्रीम कोर्ट हैज अवार्डेड एडिशनल 14.75 टीएमसी ऑफ कावेरी वाटर टू, तो आंसर होगा कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा था उसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया जिसके तहत 14.75 टीएमसी ऑफ कावेरी वाटर जो कर्नाटक को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस असम युवा काउंसिल विद 2018 इन द स्टेट असेंबली टू सेट अप अ योगा काउंसिल फॉर रेगुलेटिंग द टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, तो आंसर होगा असम गवर्नमेंट ने अभी योगा काउंसिल बिल पास किया है जिसके तहत वहाँ पर एक योगा काउंसिल बनाया जाएगा जिसका काम होगा रेगुलेट करना टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा को। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर, हु हैज बिकम द कंट्रीज ओनली नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन टू बी इंटायरली रन बाय वुमेन, तो आंसर होगा जयपुर गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन वो पहला नॉन सब अर्बन रेलवे स्टेशन है जो वुमेन के द्वारा चलाया जा रहा है, पूरी तरह से वुमेन के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, द स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल टू एस्टैब्लिश ए मॉडर्न लॉ यूनिवर्सिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन इन द स्टेट, तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने अभी हाल में एक बिल पास किया जिसके तहत वहाँ पर एक मॉडर्न लॉ यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा जिसके थ्रू वहाँ क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन साउदर्न स्टेट्स ऑन वाटर रिसोर्स टू बी हेल्ड इन, तो आंसर होगा हैदराबाद। द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन साउदर्न स्टेट्स ऑन वाटर रिसोर्स कहाँ होने जा रहा है, तो होगा हैदराबाद में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू लुक इनटू द इश्यूज रिलेटिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बैड लोन्स इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट्स एंड राइजिंग इंसिडेंट ऑफ फ्रॉड, तो आंसर होगा वाई एच मालिंगम कमिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमिटी बनाया जिस कमिटी का नाम है वाई एच मालिंगम कमिटी। इसका काम है देखना जो भी फ्रॉड्स हो रहा है बैंक में या बैड लोन्स बढ़ रहा है वो सब चीज़ को देखना। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट विथ विच बैंक
for $100 million for Rajasthan water sector restructuring project for desert areas. India ने भी sign किया है New Development Bank के साथ एक loan agreement, NDB के साथ एक loan agreement sign किया है $100 million का. किस चीज के लिए? तो राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, द ऑफिशियल होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI फॉर ऑल कॉमोडिटीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018 रोज बाय, तो हमारा आंसर होगा 0.1%. जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है फॉर ऑल कॉमोडिटीज वो बढ़ गया है कितना से, 0.1% से. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर, द बैंक हैज डिसाइडेड टू एग्जिट इट्स साउथ अफ्रीका ऑपरेशन आफ्टर 21 ईयर्स एमिड अ प्रोब इनटू एलेक्ट Compliances lapses by the bank there. तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड किया एग्जिट कर जाना अपना जो उसका साउथ अफ्रीका का ऑपरेशन था 21 साल तक, उसको अब एग्जिट कर जाएगा, यानी कि वो बैंक अब वहाँ काम नहीं करेगी. फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु हैज अनाउंस्ड अ डेवलपमेंट प्लान वर्थ ₹1,918 करोड़ फॉर पंजाब टू सप्लीमेंट फार्मर्स इनकम. तो हमारा आंसर होगा नबार्ड. नबार्ड ने भी अनाउंस किया डेवलपमेंट प्लान कितने का, 1,918 करोड़ का. किसकी चीज़ के लिए? पंजाब के लिए. हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर, द डिजिटल पेमेंट एंटिटी हैज पार्टनर विद इंडियन वायल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL फॉर द एडॉप्शन ऑफ इट्स इंडिजिनियसली डिजाइन पॉइंट ऑफ सेल POS डिवाइस एट IOCL रिटेल आउटलेट. हमारा आंसर होगा फोन पे. टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट न्यूज वर्ल्ड. इसमें हमारा पहला करंट अफेयर है, हु हैज डिक्लेयर टू इम्पोज ए कार्बन टैक्स फ्रॉम 2019 टू कट इट्स ग्रीन गैस इमिशन. तो आंसर होगा सिंगापुर. सिंगापुर 2019 से कार्बन टैक्स इम्पोज करेगा. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा सस्पेंडेड रोमानियाज ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर. तो वाडा ने रोमानिया के ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को सस्पेंड कर दिया 6 महीने के लिए. तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट विल बी हेल्ड इन दिस ईयर इन द सिटी ऑफ चिंगदाओ इन चाइना. तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होने वाला है वो होगा चाइना के एक सिटी में, इसका नाम है चिंगदाओ. नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, द एनुअल मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन. जो एनुअल मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो है मुनिच जर्मनी में. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर, द कंट्री विल डेब्यू विथ इट्स फर्स्ट इवर अरब फैशन वीक इन. तो जो कंट्री डेब्यू करने जा रहा है अपना पहला अरब फैशन वीक से, वो कंट्री है रियाद सऊदी अरबिया. जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर, द कंट्री हैज वॉन द 5th कॉमनवेल्थ ब्रिज चैंपियनशिप 2018. तो हमारा आंसर होगा इंडिया. इंडिया ने भी जीता है 5th कॉमनवेल्थ ब्रिज चैंपियनशिप 2018. फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु हैज वॉन द चेन्नई ओपन ATP मेन सिंगल. चेन्नई ओपन ATP मेन सिंगल जीता है जॉर्डन थॉम्पसन ने. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन टेनिस हिस्ट्री. तो ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन टेनिस हिस्ट्री जो बने हैं वो हैं रोजर फेडरर. रोजर फेडरर के नाम रिकॉर्ड भी ये देख लेते हैं. रोजर फेडरर हैज वॉन ए रिकॉर्ड 8 विंबलडन टाइम्स. 8 बार विंबलडन जीता है इन्होंने. 6 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल्स जीता है इन्होंने. और रिकॉर्ड 5 कंसेक्यूटिव US ओपन टाइटल्स जीता है. एक बार फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है. जो हमारा फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फिगर स्केटर इन 66 ईयर्स टू विन बैक टू बैक विंटर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन द मेन सिंगल इवेंट. तो हमारा आंसर होगा उजुरू हानयू. फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु हैज वॉन द सीनियर वोमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम एट बाराबाती स्टेडियम इन कटक. अब देखिए यहाँ से एक स्टैटिक न्यूज बन गया कि बाराबाती स्टेडियम कहाँ है, तो कटक में है. और किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है सीनियर वोमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप.
ठीक है, वही न्यू अपॉइंटमेंट्स का, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर है हु बिकेम द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो हमारा आंसर होगा केपी शर्मा ओली, वो अभी 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बने हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है हु रीअपॉइंटेड एज बैंक ऑफ जापान चीफ, यहाँ देखिए रीअपॉइंटमेंट है, मतलब जो पहले थे उन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है, वह हमारे हारुहिको कुरोदा, तो इन्हें रीअपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ जापान चीफ। फिर हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर द यूजीसी हैज कंस्टिट्यूटेड अ 4 मेंबर इम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर शॉर्टलिस्टिंग 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस, तो हमारा आंसर होगा एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी को हेड बनाया गया है 4 मेंबर इम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी का, जिसके जो यूजीसी ने कंस्टिट्यूट बनाया गया है, यूजीसी के थ्रू बनाया गया है ये कमेटी, इसका काम है शॉर्टलिस्ट करना 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस को। फिर समझिए कि यूजीसी के द्वारा एक 4 मेंबर इम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है, इसके हेड होंगे एन गोपाल स्वामी जो कि फॉर्मल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका काम है कि शॉर्टलिस्ट करना 20 इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस को। फिर वहाँ जो नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है हु हैज बीन स्वॉन इन एज साउथ अफ्रीकाज न्यू प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कायरिल रामापोसा। फिर जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर हुआ है आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन विल बी चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, कौन से आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन है जिन्हें चेयरमैन बनाया गया है ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हमारा आंसर होगा अरविंद पी जामखेड़कर जो कि आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन है, उन्हें ICHR का चेयरमैन बनाया गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।